आज के दौर में चीज एक ऐसा खाद्य पदार्थ बन चुका है जिसे लगभग हर डिश में डाला जाने लगा है। तभी तो भारत में चीज के पराठे से लेकर चीज डोसा और चीज मैगी तक मिलती है, जिसे लोग बहुत ही चाव के साथ खाते हैं। इतना ही नहीं, पिज्जा और बर्गर में भी भर भर कर चीज डाला व डलवाया जाता है, जो खाने में काफी स्वादिष्ट लगता है लेकिन आपके पेट की चर्बी को बढ़ाने का काम करता है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय डिशेज में धड़ल्ले से इस्तेमाल होने वाले चीज को आखिर फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे चीज मेकिंग, फैक्ट्री में चीज मेकिंग। भारत में कई अलग अलग ब्रांड के चीज मिलते हैं, जिनमें से ज्यादातर चीज डेयरी कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन फैक्ट्री में चीज बनाने की असल प्रक्रिया भारत के छोटे छोटे गांव और कस्बों से शुरू होती है, जहां रहने वाले पशुपालक मिल्क कलेक्शन सेंटर तक रोजाना दूध पहुंचाते हैं। इस तरह से मिल्क कलेक्शन सेंटर उन गांवों में लगाए जाते हैं जहां पशुपालन ज्यादा होता है और फैक्ट्री के लिए अधिक से अधिक दूध इकट्ठा किया जा सकता है। इन सेंटरों में गाय और भैंस के दूध को अलग अलग कंटेनरों में इकट्ठा किया जाता है, जिसके बाद दूध का रंग और गाढ़ेपन के हिसाब से क्वालिटी चेक किया जाता है। इसके बाद उस दूध को ट्रकों में भरकर फैक्ट्री तक लाने का काम किया जाता है, जिसके बाद दूध को पाइप की मदद से ट्रक से खाली करके प्री ट्रीटमेंट एरिया में भेज दिया जाता है। इस एरिया में दूध का एक बार फिर क्वालिटी चेक किया जाता है, जिसके लिए अलग अलग डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की टीम को फैक्ट्री में दिन भर दूध की जांच करनी पड़ती है। दूध की जांच होने के बाद उसे पाइप के जरिए बैक्टीरिया हटाने वाली मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जो दूध में मौजूद बैक्टीरिया और गंदगी को साफ करने का काम करती है। इसके बाद दूध में से एक्स्ट्रा फैट निकालने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है, जिसके लिए दूध को एक ऑटोमेटिक मशीन के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद दूध को पाइपलाइन के जरिए गुजारते हुए एक दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां दूध को लगभग 72 डिग्री सेल्सियस के गर्म तापमान में उबाला जाता है। इसके बाद दूध को चीज बनाने वाली यूनिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसे हर वक्त बैक्टीरिया फ्री रखना बहुत जरूरी होता है। यही वजह है कि चीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आने जाने वाले हर व्यक्ति को एक खास तरह की किट पहनी होती है और उसे एक गैस चैम्बर से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें व्यक्ति के शरीर में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को हवा के जरिए हटाया जाता है। इस यूनिट में चीज बनाने के लिए दूध को पाइपलाइन के जरिए एक कंटेनर में खाली किया जाता है, जिसके बाद उसमें कल्चर नामक तत्व डाला जाता है, जो एक बैक्टीरिया रूपी मिक्स होता है। इसके बाद दूध को लगभग 30 से 45 मिनट तक सेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस दौरान कुछ कारीगर गर्म पानी में वेजिटेरियन रेनेट नामक केमिकल मिलाकर एक घोल तैयार करते हैं। दूध के सेट हो जाने के बाद उस पानी वाले घोल को उसमें मिला दिया जाता है, जिसके बाद दूध काफी हद तक ठोस रूप ले लेता है। इसके बाद दूध को धारदार ब्लेड की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, जिसके बाद उन टुकड़ों को एक गर्म कंटेनर में डालकर लगभग 30 से 60 मिनट तक पकाया जाता है। इसके बाद दूध के टुकड़ों को छन्नी की मदद से छान लिया जाता है, जिसकी वजह से पानी अलग हो जाता है। इस तरह ठोस दूध चीज में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद उसे एक मिक्सिंग मशीन में ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसमें नमक मिलाया जाता है। इसके बाद चीज को एक कंप्रेसर मशीन के अंदर डालकर उसके ऊपर एयर प्रेशर डाला जाता है, जिसकी वजह से चीज बड़े बड़े ब्लॉक्स का आकार ले लेता है। इसके बाद चीज के बड़े टुकड़ों को एक सेंसर मशीन से गुजारा जाता है, जो इसके रंग रूप की जांच करती है। ऐसे में अगर चीज बिल्कुल ठीक बना होता है तो उसे कन्वेयर बेल्ट से गुजारते हुए आगे भेज दिया जाता है। इसके बाद चीज के टुकड़ों को गर्म पानी के कंटेनर में डुबोने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो चीज को लंबे समय तक फ्रेश रखने में मददगार साबित होता है। इस तरह चीज के बड़े टुकड़े तैयार हो जाते हैं, जिन्हें पिज्जा और बर्गर मेकिंग के लिए सीधा इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि फैक्ट्री में चीज मेकिंग का काम सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि चीज के इन बड़े टुकड़ों से चीज स्लाइस और छोटे चीज बॉक्स बनाए जाते हैं। ऐसे में तैयार चीज के टुकड़ों में से एक हिस्सा चीज मैच्योरिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ चीज को लगभग 6 महीने तक रूम टेम्परेचर में मैच्योर होने के लिए छोड़ दिया जाता है। वहीं चीज के दूसरे हिस्से को फैक्ट्री के अगले यूनिट में भेज दिया जाता है, जहाँ उसे अलग अलग प्रकार का चीज तैयार किया जाता है। मैच्योर हो चुकी चीज को 6 महीने बाद बाहर निकाला जाता है, जिसे ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया जाता है। इसके बाद उस चीज में कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, जो इसके फैट टेस्ट और पीएच वैल्यू को बरकरार रखने में मददगार साबित होते हैं। इसके बाद चीज को मशीन में डालकर पिघलाया जाता है, जिसके बाद उसे अलग अलग प्रोसेस से गुजारते हुए थोड़ा सा ठोस रूप प्रदान किया जाता है। इसके बाद उस चीज को पाइप की मदद से पैकिंग यूनिट तक ले जाया जाता है, जहाँ चीज को पाइप की मदद से अलग अलग खांचों में भरने का काम किया जाता है। यह खांचे चीज को एक साइज देने का काम करते हैं, जिसके बाद उसे पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। इस वक्त तक चीज काफी लचीला और चमकदार हो चुका होता है, जिसके बाद इसकी जांच की जाती है और सब कुछ ठीक होने पर चीज को पैक करके एक कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है, जो चीज को ठंडा करके उसे ठोस रूप प्रदान करती है, जिसके बाद फैक्ट्री से बाहर भेज दिया जाता है।
वहीं चीज स्लाइस बनाने के लिए शुरुआत में तैयार हुए चीज के बड़े टुकड़ों को मशीन में डालकर अच्छी तरह से पिघलाया जाता है, जिसे पाइप की मदद से लंबी लंबी प्लास्टिक की थैलियों में भर दिया जाता है। यह प्लास्टिक की थैलियाँ 10 किलोमीटर तक लंबी हो सकती हैं, जिनके अंदर चीज भरकर उन्हें रोलिंग मशीन के ऊपर से गुजारा जाता है। ऐसा करने से प्लास्टिक की थैली के अंदर भरा हुआ चीज सपाट आकार ले लेता है और थैली से अच्छी तरह से चिपक जाता है, जिसकी वजह से चीज स्लाइस को उसका जाना पहचाना रूप मिल जाता है। इसके बाद उस प्लास्टिक की थैलियों को ठंडे पानी के ऊपर से गुजारा जाता है, ताकि थैली के अंदर मौजूद चीज ठोस रूप ले सके। इसके बाद उस थैली को एक कटिंग मशीन के अंदर भेज दिया जाता है, जहां वह चीज स्लाइस को छोटी छोटे टुकड़ों में काटने का काम करती है। इन चीज स्लाइस को बॉक्स के अंदर पैक करके फैक्ट्री से बाहर भेज दिया जाता है, जिनका इस्तेमाल करके आप बर्गर और सैंडविच जैसा फास्ट फूड तैयार करते हैं। इसके अलावा चीज को टीन के कैन के अंदर भी पैक किया जाता है, जिसके लिए पिघले हुए चीज को पाइप की मदद से कैन में भरा जाता है और उसके बाद उसका वजन किया जाता है। इन टीन के कैन वाली चीज को भारतीय सैनिकों को मुहैया करवाया जाता है, जहां पिघले हुए चीज को अलग अलग खाद्य पदार्थों में मिलाकर खाया जा सकता है। इस तरह चीज की फैक्ट्री में रोजाना अलग अलग प्रकार का चीज बनकर तैयार होता है, जिसका इस्तेमाल करके हम कई तरह की डिशेज बनाते हैं। लेकिन चीज का अत्यधिक सेवन सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, इसलिए जरूरत से ज्यादा चीज का सेवन ना करें। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि फैक्ट्री में चीज कैसे बनता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।